मुख्यमंत्री की सख्ताई के बाद भी महिलाएं ससुराल में नहीं है सुरक्षित। विवाहिता को मारपीट कर भगाया। मामला बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव वेरा फिरोजपुरा का है, जहां से पीड़ित रमेश पुत्र कंचीद सिंह ने अपनी बेटी मनीषा की शादी जनपद हापुड़ के गांव अमरपुरा राजीव कुमार पुत्र चंद्री के साथ एक साल पहले की थी। शादी में सभी दान दहेज दिया था। महिला मनीषा का पति और परिवार दिए हुए दान दहेज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, जिसको लेकर उसका पति आए दिन मारपीट करता था और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग करता था। इतना ही नहीं, वो 50,000 रुपए की मांग भी करता था। वह महिला के साथ मारपीट करता था तो महिला ने बात अपने पिता को बताई थी। फिर कई बार परिवार के लोगों ने महिला के ससुराल में जाकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मना कर देता कि अब मैं नहीं करूंगा। यह कहकर लड़की को ले जाता, फिर 2-4 दिन बाद उसके साथ मारपीट करता। अब पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ सियाना कोतवाली में तहरीर दी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सियाना से संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या मामला, आप थाने पे आए हो, इतने सारे लोग? मुझे बहुत ज्यादा मारे पीटे, बहुत परेशान करे, मेरा गले तक का भी घोर दिया है। अब बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, मेरे माँ बापों को भी गाली देता है। तो कहाँ कहाँ से शादी हुई थी आप, बेटी कहाँ की हो? वेरे की। हाँ। शादी कहाँ पे हुई थी? हापुड़ अमरपुरा इंचोरी। यानी कि मुझे कई बार मारने की कोशिश करी, मैं चुन्नी से भी गला भींच दिया, कई बार यार जलाने की कोशिश करी, और मांगे बुलेट भी मांगता है, 1,00,000 रुपया भी मांगता मेरे से। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? 27 फरवरी को, 1 साल हो गया, 2 साल चली है मेरी शादी को। तो आप थाने में तहरीर दी है? हाँ जी, थाने में मैंने एप्लीकेशन लगाई है, इस वजह से ज़्यादा परेशान भी पड़ता वो मुझे। क्या नाम है आपका? रमेश। हाँ, कौन से गांव से आए हैं? वेरे से। क्या मामला, आज इतने सारे लोग आप थाने पे इकट्ठे होकर आए हो? हाँ, क्या मामला? लड़की की शादी करी थी। हाँ, कितने दिन पहले शादी की थी? ये करीब 2020 में, 27 फरवरी। कहाँ पे की थी ये? करीब अमोलपुरा। उसके बाद क्या हुआ? फिर लड़की ठीक रह रही, जब कोई बात नहीं है, फिर लड़की को कुछ दिन बाद में परेशान करने लगे, फिर मारपीट करने लगे, फिर और बदतमीजी करने लगे, फिर इन्होंने यहाँ आके शिकायत करी, फिर हमने इन्होंने कई सुना करा था, इन्होंने झगड़ा करा है यहाँ, फिर हमने लड़की यहीं रख दिया। तो अब थाने में आपने तहरीर दी है? तहरीर दी है हमने इनके शिकायत। क्या नाम है आपका? कौन से गांव से आई हैं आप? क्या मामला, किस बात को लेकर आए हो? ये जी, लड़की परेशान रहती है, मारपीट करते हैं, चुन्नी से गला घोंटते हैं, सबकी एक शादी सब। कहाँ पे शादी की थी? अमरपुरा। तो कितने समय पहले शादी की थी? 2 साल चल रही है। तो अब आपने थाने में तहरीर दी है? हाँ।